नमस्कार, मैं हूं अरुण पटेल और आप देख रहे हैं द बिहार में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि जाना जाता था अपनी दीवारों की वजह से, दुनिया भर में लोग आते थे यहाँ घूमने के लिए, लेके जाते थे पिक्चर्स अपनी दीवारों के साथ में और टांगते थे उसे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, न जाने किन के सोशल मीडिया साइट्स पर। आज वही दीवारें जो हैं, उनकी जो सुंदरता जिन पोस्टर्स के कारण हुआ करती थी, उसको उतार फेंका गया है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है एक तरह का एक ऐसा एस्थेटिक्स या फिर कहें सुंदरता के पैमाने को गढ़ता है, जहां पर प्रशासन का कहना है कि हमने पोस्टर को उतार कर सुंदर बनाने के लिए, दीवार को साफ करने के लिए किया है, जबकि छात्रों का कहना है कि पोस्टर्स हटाना ही अपने आप में बदसूरती को निमंत्रण है। तो आइए जानते हैं कि कैंपस के छात्रों, कैंपस के एक्टिविस्टों, कैंपस के अध्यापकों का क्या कहना है। और JNU से पोस्टर्स हटाने का मतलब ये है कि ये जिस चीज़ पे दुनिया के तमाम लोगों ने रिसर्च किया, PhD किया, MPhil किया और पूरे दुनिया भर के बेस्ट वेबसाइट्स ने, जर्नलिस्ट ने, मीडिया हाउसेस ने इनके ऊपर स्टोरी किया, वो सब इसीलिए किया क्योंकि उनको लगा कि एक ऑर्गेनिक स्पेस है पढ़ने का, सीखने का, उस ऑर्गेनिक स्पेस को आज ख़त्म करने के पीछे हैं। बस मुझे आखिरी में ये बात कहना है, अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को फांसी दिया था, फांसी पर लटका दिया और हमारे लिए वो शहीद हैं। आज उसी भगत सिंह के बातें अगर मैं दीवार से पढ़ना चाहता हूँ, इस प्रशासन को और इस सरकार को लगता है कि मुझे छः महीना जेल भेजना है, तो ये उस अंग्रेज़ों से कैसे अलग है जो भगत सिंह को फांसी लगाए थे। जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त में वो कलम उठाकर या स्केच उठाकर या कुछ भी उठाकर दीवारों पर कुछ उकेरता है, कुछ भी, उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। और वही यूनिवर्सिटी में आकर हमने भी किया, हम भी दीवारों पर कुछ ऐसा उकेरते थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वाइस चांसलर साहब, आप उन गरीब यहाँ के कर्मचारियों को बोल तो रहे हैं कि हाथों से पोस्टर फाड़ो, पर आप ये बताओ कि उस पोस्टर को कैसे फाड़ोगे आप? JNU ये स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप पॉलिटिकली अगर आप डिफर भी करो एक दूसरे से कम बैठ के बात कर सको, उस पर चर्चा कर सको, और पोस्टर्स उसी का एक हिस्सा है। तो अगर आप पोस्टर्स को ख़त्म कर रहे हो, आप सिर्फ एक तरह की सोच को या एक तरह की चिंताधारा को ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप पूरा वो जो कल्चर है जहाँ पे हम लोग आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बैठ के बातचीत कर सकते, चर्चा कर सकते हैं, वो पूरा कल्चर को ख़त्म कर रहे हो। कुछ इस तरह के पोस्टर्स भी हैं जो भारत की बर्बादी के या कश्मीर की आज़ादी की भी बात करता है। इसी देश के लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके लिए हम इतने ज़्यादा अपना सैक्रिफाइस करते हैं। अगर उनके अगेंस्ट किसी भी तरह के पोस्टर्स बनते हैं और इन दीवारों पे लगते हैं तो वो आइडिया ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगा, और ऐसे पोस्टर्स को हटा देने में मुझे नहीं लगता कि कोई गुरेज होना चाहिए। जब पोस्टर्स गिराए जा रहे थे दीवारों से, तब ABVP सोशल मीडिया में चला रहे थे कि ये जो कैंपस में पोस्टर्स लगे हैं वो एंटी नेशनल हैं, देशद्रोह हैं, इस तरह का वो भाषा चलाकर पोस्टर्स गिरवाने में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रहे थे। तो एक क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका नेक्सस है और एक लार्जर स्कीम में जो है भाजपा गवर्नमेंट के साथ, तो इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। और स्टूडेंट कम्युनिटी हम लोगों के साथ है इस मुद्दे पे, और पोस्टर कल्चर तो हम लोग JNU का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है, जिसको हम लोग किसी भी सूरत में लड़ के बचाएंगे। जैसा कि मैं बता दूं, जब हम लोगों की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, वो इन तमाम डेमोक्रेटिक स्पेसों को जिंदा रखती थी, चाहे किसी भी तरह का विचार हो, इस तरह के स्पेस दिया जाता था ताकि वो अपने आप को खुल के रिप्रेजेंट कर सके। जो अभी की जो सरकार है BJP की और जो वाइस चांसलर है, वो इसी तरह के डेमोक्रेटिक स्पेसों को ख़त्म कर रहा है। सो रिसेंटली अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ब्यूटिफिकेशन के लिए कैंपस के ये पोस्टर्स को निकालना ज़रूरी है। सो एक तरफ बिहार गवर्नमेंट है जो कि मधुबनी पेंटिंग्स यूज़ कर रहा है रेलवे स्टेशन के ब्यूटिफिकेशन के लिए, रेलवेज के ब्यूटिफिकेशन के लिए, और एक तरफ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे लगता है कि ये पोस्टर्स, ये आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब ब्यूटिफिकेशन घटा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन का ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या वाकई ये गंदे लगते थे देखने में या फिर ये अच्छे लगते थे देखने में। मुझे लगता है जनरली लोगों को ये अच्छा ही लगता था, काफ़ी लोग आके यहाँ विजिट करते थे, फ़ोटोज़ खिंचाते थे, फ़ोटोज़ लेते थे अपने। सो आई थिंक इट्स अ बैड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कि हम लोग जब भी कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, ये जो पर्चा पोस्टर कल्चर है उसको बचाते हुए रखेंगे, और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि
कैसा है, हम जो आइडियाज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, अगर कोई कभी इवेंट होता है हम लगाते हैं कि ये इवेंट है, तो हम लोगों के लिए स्टूडेंट्स के तक पहुंचने का यही एक रास्ता ये भी है कि हम लोग पर्चा पोस्टर हर जगह पे लगाते हैं। एक टाइम था जब हम लोग सबको जेएनयू में घूमते थे और काफ़ी कलरफुल था, यहाँ पे डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे हम हमेशा मतलब कि कलरफुल पोस्टर्स के साथ अपना दिन का शुरुआत करते थे, सब कुछ देखते थे और हमें काफ़ी अच्छा लगता था। वो आज हम बस जेएनयू के कैंटीन में देख रहे हैं और मतलब कि जेएनयू के कैंटीन के वॉल्स में देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है, सारे पोस्टर्स को हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो थॉट था और जो डिफरेंट मतलब जो व्यूज़ हमें मिलते थे, वो कहीं ना कहीं मतलब कि कर्टेल किया जा रहा है। प्रशासन जो ये पोस्टर्स फाड़ रहे हैं और इसका एक पूरा कानून जैसा नियम बनाने की कोशिश चल रही है, मेरे मुताबिक ये चीज़ जो है ये एक तरह की हरकत है, एक तरह का अश्लील हरकत है, इंडिसेंट हरकत है। इसका क्यों इंडिसेंट इसलिए है कि ये पोस्टर न रहें और दीवार खारी रहे, इसके साथ जो छवि जुड़ी है या जो चीज़ वो कह रहे हैं कि वो लाना चाह रहे हैं, वो ये है कि इंसान के दिमाग और दिल और उनकी जो सोच है वो खाली है। दीवार क्या है? दीवार सिर्फ दीवार नहीं है, दीवार एक तरह से यूनिवर्सिटी का दिमाग का मन है, यूनिवर्सिटी के जहन में क्या है वो दीवार पर हमें दिखता है। वो जो शब्द हैं, जो छवियां हैं, जो 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 अलग अलग तरह की बातें जो यूनिवर्सिटी कि दिलो दिमाग में चल रही हैं, वो दीवार पर आते हैं। जब दीवार को हम खाली करते हैं तो इसको करने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी में कोई जान बची न रहे और यूनिवर्सिटी का दिलो दिमाग दोनों बिल्कुल खाली हो जाए, एक तरह से यूनिवर्सिटी की एक तरह की मौत हो जाए। तो दीवार को खाली करना इसीलिए इंडिसेंट है क्योंकि वो एक मौत की छवि आपके सामने, दीवार खाली कभी नहीं होता है, वो खाली होना ही एक तरह की कि एक अलग छवि जो बहुत ही इंसान को और देखने वाले को एक तरह से बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि उसे लगता है कि आंखों के सामने जो चीज़ जहाँ इतना कुछ हो चुका है और हो सकता है, वहाँ ये जो खालीपन है, ये जो सपाट एक तरह का पूरा ये जो लैंडस्केप है जिसको पूरी तरह से सपाट कर दिया गया है, जिसको एक तरह रेगिस्तान बना दिया गया है, वो चीख चीख कर कहता है कि नहीं, मुझ में अब भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कहनी है, बहुत सारी जान है जो मुझे जीनी है, लेकिन उसे बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। उस तरह का जो रिप्रेशन है, उस तरह का जो दमन है, वो वाकई मेरे मुताबिक एक तरह की अश्लील हरकत है जो ये प्रशासन करने की कोशिश है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये कोशिश काफ़ी हद तक करते हुए भी नाकाम होती है, क्योंकि जब हम किसी पोस्टर को फाड़ते हैं तो पूरी तरह नहीं फाड़ पाते हैं, कुछ ना कुछ उसके हिस्से बचे रह जाते हैं, कोई हल्का सा एक आधा रंग, कोई आधा अक्षर, कोई किसी फोटो की कोई एक खास कोई एक उस छवि का कोई हिस्सा हमारी आंखों को फिर भी लुभाता है, और एक छोटी सी चीज़ भी अगर बच जाए, ट्रेस भी बच जाए, तो उससे एक नई दुनिया फिर से हम अपने दिमाग में फिर खड़ी करते हैं। दीवार खाली कर दें लेकिन दिमाग फिर भी खाली नहीं रहता, और दिमाग में अगर नई छवियाँ आएंगी, नए अक्षर आएंगे, नए शब्द आएंगे, नई कविताएं आएंगी, तो जाहिर है वो वापस दीवार पे कभी ना कभी पहुँचेगी। और कैसे पहुँचेगी, आप कब तक कहाँ तक आप रोकेंगे, रात में शाम को जब सूरज ढल रहा है या सूरज उग रहा है सुबह, तब कोई लगा देगा, कहीं किसी कोने में लगा देगा, क्या क्या फाड़ेगा। एक तरफ पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, टीचर्स को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लगातार दखल दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें एंटी नेशनल बोला जा रहा है, इससे साफ पता लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो क्या है। बाहर हम देख रहे हैं मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा से लोगों को दूर रखा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बंद किया जा रहा है, जेएनयू जैसे कैंपस की फीस बढ़ाई जा रही है। ये तमाम तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हमें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं इनका कोई जुड़ाव है, कोई कनेक्शन है। आप भूलिए मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि लेकर आता है आपके लिए दुनिया जहान की वो खबरें जो आपको जानना है बहुत ज़रूरी। द बिहार में